खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई। पूरी परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने के संबंध में कानूनी कार्रवाई के लिए एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा। जी ये है मामला पूरा। हुसैनीपुरवा कला थाना गिरवा जिला बांदा का निवासी हूं। वर्तमान में प्रतीक अपने वह बच्चों के साथ शहर बांदा में रहकर ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। दिनांक 9 जनवरी 2021 को विपक्षी जाहिना व उसके लड़के वाहिद बलुआ कलुआ व रसीद व जुबेर पुत्र गल इंदु व संतराम शिवर पुत्र गोरेलाल शिवरे आदि निरात में पत्थर फेंके जाने की फर्जी कहानी बनाकर स्थानीय पुलिस थाना गिरवा को पृथ्वी पत्री की परिवार को फर्जी मुकदमे में फंसाने के साजिश से सूचना देकर पत्री के घर में मौजूद पत्री की मां श्रीमती समीना खातून को घर खाली कराने व घर में ताला डालने की धमकी स्थानीय पुलिस ने दी थी। जबकि उस वक्त घटित घटना के समय पत्री के पति घर के मौजूद नहीं थे। पत्री के परिवार के विरुद्ध में फर्जी झूठा तथा पर आधित प्रार्थना पत्र देकर पुलिस पत्नी की मां को अपमानित कर आते हैं और भाइयों को फर्जी मुकदमे फंसाने की धमकी दे जाते हैं। खास रिपोर्ट जिला संवाददाता मदन सिद्दीकी की और रिपोर्ट बांदा। क्या नाम है भैया आपका? मंसूर अहमद। कहां से आप लोग आए हैं? हुसैनपुर कला थाना गिरवा। किस समस्या को लेकर के आए थे आप? जमीनी विवाद का एक मुकदमा चल रहा है मकान के बंटवारे का, जिसमें विपक्षी पार्टी हम लोगों को रहने नहीं दे रहे। कभी पुलिस से गुंडई दिखवा रहे हैं कि घर में ताला डलवा दिया जाएगा और पथराव के लिए बदनाम कर रहे हैं हम लोगों को, और 315 गांजा केस लगाने के और 76 लगाने की विषय में हम लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। वह गांव के दमंग संतराम शिवहरे बीजेपी कार्यकर्ता व वैसुद्दीन सिद्दीकी सिंचाई कर्मचारी और जहानी व जहानी के दामाद व जहानी के लड़के व इद्दू के लड़के में लड़कों इद्दू के घर में रात में बैठक होती है जिसमें शराब व दारू गांजा पिलाया जाता है, जिस बिना पर हम लोग वहाँ रात में अपने मकान पर रह नहीं पाते। 10/10/2020 से हम अपने गांव नहीं जा पा रहे, ये दमंग व्यक्तियों के द्वारा। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग ये मांग करते हैं कि इसकी सही जांच करके इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? वारानियम खातून। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग आए हुसैनपुर से। क्या समस्या लेकर के आप लोग आए हुए हैं? हम लोग ये समस्या लेकर आए कि हमारी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं हो रही। अब हम लोग इधर उधर सब रह रहे हैं, हमारे घर वाले सब कोई इधर उधर रह रहे हैं और लोग आराम से रह रहे हैं अपने घर में। कौन लोग? हम मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि अंजुम मकबूल और डीला फेंकते हैं ऊपर से छत से। कौन ऐसा कहता है? वो वहीद बताते हैं, वहीद और जहानी बलुआ हरे रेशमा। कौन है ये लोग? राशिद जाबिर। कौन है ये लोग? ये हमारे गांव के हैं, बड़े अब्बा के लड़के हैं। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ करी थी? हम लोग नरैनी में करी, गिरवा में करी, सब लहर कर दी। फिर पुलिस अधीक्षक अच्छा, तो क्या कुछ कार्रवाई हुई कहीं? नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं। थाने गए थे आप लोग तो उन्होंने क्या कहा? थाने गए तो कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो आज आप लोग कहाँ पर आए हुए हैं? आज हम लोग